वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से कुछ नया वीडियो लेके आया हूँ। आपको ऐसी गलती एकदम नहीं करनी है, क्यों होगा इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी ऑयस्टर मशरूम की हार्वेस्टिंग करते हैं तो थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, और पकड़ के इसे घुमाना है, केवल घुमाना। आपको घुमाने के बाद इसे खींचना नहीं है। इस बैग में मैंने आपको बताने के लिए बताया है कि क्यों ऐसा करना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे रिजल्ट क्या होंगे, तो चलिए देख रहे हैं। ये वाला बैग हमने पकड़ा और खींचा, तो देखिए भूसा साथ में निकल के आ गया। अब इससे हमारे रिजल्ट खराब हो जाएंगे। जो बैग है उसमें फिर से माइसेलियम आने में टाइम लगेगा और वो रिजल्ट और आउटपुट नहीं आएगा जो आना चाहिए। ये रिजल्ट तो अच्छा आया लेकिन मेरा बैग खराब हो गया, और मैंने ये जानबूझकर किया आपको बताने के लिए। कैसा लगा ये वीडियो? ये काफी बड़ा हुआ। अब इसको चलिए वेट करते हैं, कितना बड़ा साइज है इसका। ये पूरा सिंगल पीस है, एक ही जगह से निकला हुआ, जो भी मैंने आपको दिखाया ये वही पीस है। इसको वेट किए, ये 425 ग्राम है। अच्छा लगा वीडियो, एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। थैंक यू।